हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल क्लासेस 1024 पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड इजली चार्जेस ऑन पॉली एटोमिक आयंस, यानी कि जिसमें दो या दो से अधिक एटम मिल के बने होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स कंपाउंड, उनका हम लोग किस प्रकार से चार्जेस इजली सॉल्यूशन के द्वारा निकालने वाले हैं। और अभी तक बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन आप पूरी तरह से क्लेरिफाई नहीं हुए होंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैं गारंटी लेता हूँ कि आप आसानी से सीख पाएंगे, और वो भी सॉल्यूशन के द्वारा आपकी भाषा हिंदी में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इस जैसा कि बता दूं दोस्तों कि इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है इस पे, लेकिन उसमें मैंने बताया था हाउ टू लर्न इजली चार्जेस ऑन पॉली एटोमिक आयन, यानी पॉली एटोमिक आयन के चार्जेस को हम लोग किस प्रकार से याद कर सकते हैं। लेकिन आज सॉल्यूशन के द्वारा सिखाने वाले हैं, और इसमें दोनों ही तरीके बताएंगे, सॉल्यूशन और एक लर्निंग ट्रिक बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आसानी से समझ में आने वाला है दोस्तों। तो चलिए, क्या है यहाँ पे, जैसा कि फर्स्ट मैं निकालने जा रहा हूँ, फर्स्ट क्या है, NO3 इसका निकालने वाले हैं। तो चलिए, कैसे निकालेंगे, तरीका क्या है, मैं जैसा कि बता देता हूँ दोस्तों। ऑक्सीजन के लिए जब भी आएगा तो इसकी वैलेंसी का अप्लाई कीजिएगा। क्या अप्लाई कीजिएगा, वैलेंसी। वैलेंसी और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना होती है, -2, तो -2 अप्लाई कीजिएगा। और बाकी सभी के लिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लगाइएगा, आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा सॉल्यूशन के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या लिखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे पूरी तरह से लिख देते हैं एक बार, और उसके बाद आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट, इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ किसका, तो दोनों एटम का बारी बारी से लिखेंगे, नाइट्रोजन, और उसके बाद प्लस का सिंबल डालना है, और उसके बाद डालना है ऑक्सीजन के लिए, क्या मैंने बताया दोस्तों, वैलेंसी। तो ऑक्सीजन के लिए वैलेंसी ही लिखेंगे, वैलेंसी ऑफ ओ ऑक्सीजन, और उसके बाद जो एटम की संख्या है उनसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एटम की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 3। तो चलिए, तरीका एकदम इजी है, करेंगे कैसे, एकदम सिंपल तरीके से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ नाइट्रोजन। जब आप कॉन्फिग्रेशन करते हैं, तो कॉन्फिग्रेशन करते समय नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपको पता, एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। तो जैसा कि आप नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जानते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, कितना होता है 7, और 7 का जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और कितना होगा 5, तो आउटर मोस्ट सेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 5, तो लिखेंगे 5, 5 लिख देंगे। मैंने बताया बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उस समय आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वो लिखना है। उसके बाद आपको प्लस डालना है, प्लस तो प्लस, अब देखिए ये जो 3 लिखे हैं, ये जो एटम की संख्या 3 है, इसे आप पहले भी लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं 3 और मल्टीप्लाई बैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का वैलेंसी बताया गया है -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2। अब अप्लाई कर लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा दोस्तों 5, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस, 3 2 6। अब इसे करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 5 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -1, और यही इसका चार्जेस होता है, नाइट्रेट का जो चार्जेस होता है वो -1 होता है, -1। इस प्रकार से -1 नहीं दिखाया जाता, केवल माइनस लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आसानी से कर पाए। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट वाले का कैसे निकालेंगे। वीडियो लेंदी होगा, उससे आपको मतलब नहीं है दोस्तों, आपको सीखना है, सीखने के लिए टाइम तो देना ही पड़ता है। तो चलिए अब दूसरा निकालते हैं, कैसे दूसरा निकालेंगे, तो दूसरा यहाँ पे है दोस्तों CO3, यानी कि कहा जाए
इसे क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। यहाँ पे नाम भी मैंने लिख रखे हैं दोस्तों, कार्बोनेट। अब इसका कैसे निकालेंगे, बस वही ट्रिक है सभी के लिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। तो यहाँ पे हम इतना नहीं लिखेंगे, एक बार लिख के बता दिए हैं कि हमें जब भी अप्लाई करना है तो आउटर मोस्ट सेल में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका अप्लाई करना है। जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उस समय पता चल जाता है कि आउटर मोस्ट सेल में कितना होगा। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं करने आता है तो हमारी प्रीवियस वीडियो को देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। साइंस के बहुत सारे वीडियो है हमारी साइंस की प्लेलिस्ट में, जाइए। चलिए देखिए यहाँ ध्यान से, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिखूँगा, यहाँ पे जो लिख रहा हूँ दोस्तों ये बैलेंस है, समझ लीजिए, बैलेंस ही नहीं, बैलेंस, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ किसका, कार्बन। तो लिखेंगे कार्बन, कार्बन लिखेंगे, और उसके बाद आपको प्लस लिखना है। ऑक्सीजन के लिए क्या करना अप्लाई, बैलेंसी, तो लिखेंगे बैलेंसी ऑफ ए आपका ऑक्सीजन। लेकिन थोड़ा सा इसका बार बार भूल रहे हैं, एटम की संख्या पहले से मल्टीप्लाई कर दे तो अच्छा है, जो भी एटम की संख्या वो पहले लिखकर मल्टीप्लाई वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। चलिए आप जरा समझेंगे बनाएंगे कैसे, एकदम सिंपल है, सिंपल बिल्कुल सिंपल है। करना क्या है देखिए, कार्बन का, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। अब 6 का करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2 और 4 होगा, 2 और 4। तो देखिए आउटर मोस्ट में कितने हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे दोस्तों, 4। उसके बाद प्लस देना है, 3 का 3 लिख देंगे, यानी कि एटम की संख्या, और मल्टीप्लाई वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, -2। तो चलिए कर लेते हैं, तो 4 और प्लस माइनस, माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 4 में से 6 तो -2, और यही आपका फाइनली यहाँ पे चार्जेस हो गया। यानी कहा जाए तो कार्बोनेट पे चार्जेस कितना होता है, -2 -2। इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब चलिए निकालते हैं तीसरे का, तीसरे का कैसे निकालना है, बस यही तरीका है दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, समझाने की मेरी गारंटी है दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इससे अच्छा और अच्छा और आपकी भाषा हिंदी में बात करते हुए इससे अच्छा और अच्छा वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिल सकता है। तो चलिए अब क्या करना है, अब बात करेंगे OH की, OH की, तो OH पे क्या चार्जेस होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के लिए मैंने क्या बताया है दोस्तों, वैलेंसी लिखना है, क्या लिखना है, वैलेंसी ऑफ ओ ऑक्सीजन। अगर यहाँ एटम की संख्या रहता तो लिख देते एटम की संख्या मल्टीप्लाई वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन एटम की संख्या नहीं है तो ऐसे लिख दीजिए। और उसके बाद आपको प्लस ही देना है, माइनस नहीं देना है। उसके बाद लिखना होगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी एटम की संख्या रहता तो लिख देते एटम की संख्या मल्टीप्लाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन नहीं है तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑफ इसका हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का लिख दिए और एक बार हाइड्रोजन का, चलिए अब फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन पहले ही बता दिया गया है कितना है, -2, तो -2। उसके बाद प्लस, तो प्लस ए क्या है, हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है आउटर मोस्ट में, क्योंकि हाइड्रोजन का एटोमिक नंबर 1 होता है, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वही लास्ट होगा और वही फर्स्ट होगा, तो 1 होगा। अब इसको करेंगे तो कितना होगा, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1, और यही आपका हाइड्रोक्साइड का जो चार्जेस होता है -1 होता है। तो चलिए आसानी से फाइंड आउट कर लिए, अब चलते हैं फोर्थ नंबर की ओर, फोर्थ नंबर की ओर आसानी से फोर्थ नंबर निकालेंगे। तो देखिए फोर्थ नंबर कैसे निकालना है, फोर्थ नंबर यहाँ पे है जैसा कि देख सकते हैं HCO3 यानी बाइकार्बोनेट, HCO3 कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसानी से। तो ये क्या है, हाइड्रोजन, तो क्या लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शॉर्टकट में लिख रहा हूँ दोस्तों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ किसका, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन। उसके बाद आपको क्या लिखना है, प्लस, प्लस दे देना है। अब किसका, कार्बन के लिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ किसका, कार्बन, C4 कार्बन। उसके बाद प्लस, यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन के लिए क्या होता है दोस्तों, वैलेंसी, तो क्या लिखेंगे,
वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ ए क्या है ऑक्सीजन, और मल्टीप्लाई थ्री, चाहे पहले कर लीजिए या बाद में कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये थ्री कहाँ से आया, जो यहाँ पे एटम की संख्या है वो लिखना है। चलिए अब करना क्या है, तो एकदम सिंपल, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन वन होता है, उसके बाद प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में कितना होता है फोर, उसके बाद प्लस, तो प्लस थ्री तो थ्री, और मल्टीप्लाई वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन माइनस टू। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो हो गया वन प्लस फोर हो गया फाइव, और प्लस माइनस माइनस सिक्स, ए हो गया आपका ए माइनस वन, और यही इसका चार्जेस होता है माइनस वन। यानी कि कहा जाए तो बाइकार्बोनेट का चार्जेस कितना होता है माइनस वन, वन नहीं दिखाते हैं केवल माइनस दिखाते हैं। तो चलिए आसानी से फाइंड आउट कर लिए, अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, और फिफ्थ नंबर का कैसे निकालेंगे देखिएगा। फिफ्थ नंबर है एस ओ फोर, एस ओ फोर, अब इसका कैसे निकालेंगे, तो चलिए फार्मूला नहीं लिखेंगे तो समझ जाइएगा दोस्तों, क्योंकि इतने सारे लिख चुके हैं। क्या करना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 16, और 16 का करेंगे कॉन्फिग्रेशन तो 2, 8 और 6 होगा, तो कितना हो गया S6 लिखेंगे डायरेक्ट, उसके बाद प्लस एटम की संख्या 4, और मल्टीप्लाई ऑक्सीजन के लिए क्या अप्लाई करना है वैलेंसी कितना माइनस टू। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस माइनस माइनस 8, ये कितना हो गया माइनस टू, और आप कह सकते हैं कि सल्फेट की जो चार्जेस होती है वो माइनस टू होती है, माइनस टू होती है। तो देख रहे हैं दोस्तों कितना आसानी से फाइंड आउट कर लिए। अब देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, S6 नंबर जो है वो 6 नंबर आपका है फास्फेट, और फास्फेट का निकालेंगे दोस्तों बहुत ही इजी में, PO4 कैसे निकालना है, तो बस सिंपल तरीका है आपको बता दिया गया है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए 15 होता है, और 15 जब होता है तो सिंपल है कि इसका जब कॉन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 8 5 होगा, यानी कि 2 8 10 और 5 15, यानी कि 15 हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अगर यहाँ पे भी एटम की संख्या रहता तो एटम की संख्या मल्टीप्लाई जो भी इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता आउटर मोस्ट में वो लिखते, उसके बाद प्लस 4 तो 4 मल्टीप्लाई वैलेंसी, जी याद रखिएगा ऑक्सीजन के लिए वैलेंसी अप्लाई होगा माइनस टू। अब करेंगे तो 5 प्लस माइनस माइनस 4 टू जा 8, अब करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 3, और आपको ही पता है कि फास्फेट पे जो चार्जेस होता है वो माइनस 3 होता है, माइनस 3 होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से कर लिए, अब थोड़ा सा एक बार समराइज कर लेते हैं आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से जो मैंने फाइंड आउट करने का तरीका बताया, आप ए जरूरी नहीं कि इतने एलिमेंट्स का निकाल सकते हैं, बहुत सारे पॉली एटोमिक्स हैं उस उन सभी का आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे लिख रखे हैं, नाइट्रेट का, कार्बोनेट का, हाइड्रोक्साइड का, बाइकार्बोनेट का, सल्फेट, फॉस्फेट, ये सभी का निकालें। अब क्या करना है इसके लिए ट्रिक क्या है, बस सिंपल है कि ऑक्सीजन के लिए वैलेंसी का अप्लाई करना है, और ऑक्सीजन का वैलेंसी माइनस टू होता है, और बाकी सभी के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है, वैलेंसी नहीं आता है, तो हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके देख लीजिए, जिससे कि आपको इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो देखिए क्या है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, NO3 का चार्जेस क्या होगा, तो सिंपल, ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, यानी कि बाहर वाले सेल में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और किसका, तो N यानी नाइट्रोजन, उसके बाद आपको प्लस ही डालना है, माइनस नहीं डालना है, उसके बाद वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, तो देखिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के लिए वैलेंसी, और उसके बाद जो भी एटम की संख्या है मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए एटम की संख्या पहले लिखिए या बाद में लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 7, अब उसे जब कॉन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 और 5 होगा, तो आउटर मोस्ट में कितने हो गए 5, उसके बाद प्लस, तो प्लस ए 3, एटम की संख्या पहले लिख दिए,
और मल्टीप्लाई वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन होता है -2, जैसा कि मैंने बता दिया है। और इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे तो 5 प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस होता है, 3 टू जस्ट 6, और 5 में से 6 कटाएंगे -1। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, आसानी से निकाल लिए। अब देखिए कार्बोनेट का ये समराइज कर रहे हैं दोस्तों, जिससे कि आसानी से आपको समझ में आ जाए। देखिए CO3 का कैसे निकालेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटरमोस्ट शेल इन, ठीक है, ऑफ कार्बन, कार्बन का प्लस एटम की संख्या यहाँ पे देखिए क्या है, 3, तो 3 लिख देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई ऑक्सीजन है दोस्तों, तो ऑक्सीजन के लिए वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, देखिए कार्बन का आउटर मोस्ट में कितना होता है, 4, एक ऐसे क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो जब कॉन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 और 4 होगा, तो आउटर मोस्ट 4, प्लस तो प्लस, 3 तो 3, मल्टीप्लाई ऑक्सीजन के लिए एट जो वैलेंसी होगा -2। अब देखेंगे 4 का 4 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 3, 2 जा 6। अब करेंगे कैलकुलेट तो 4 में से 6 तो -2। अब देखिए इसी प्रकार से ए हाइड्रोक्साइड का, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, ए वैलेंसी क्योंकि ऑक्सीजन है, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, और उसके बाद प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, तो देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, एटम की संख्या नहीं है तो नहीं देंगे। उसके बाद प्लस ए हाइड्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, अब इसे कैलकुलेट करेंगे माइनस प्लस घटेगा -1। अब देखेंगे नेक्स्ट HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट का, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, उसके बाद वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई एटम की संख्या 3 कर लीजिए। हाइड्रोजन का आउटरमोस्ट 1 और उसके बाद कार्बन का 4, प्लस तो प्लस, एटम की संख्या मल्टीप्लाई वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन -2। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1 प्लस 4 5, प्लस माइनस माइनस, 3 टू जस्ट 6, 5 में से 6 कटाएंगे -1। इस प्रकार से बाइकार्बोनेट का वैलेंसी चार्जेस कितना होता है -1। अब देखते हैं सल्फेट का, SO4 के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे मैंने फार्मूला नहीं लिखा है, तो सिंपल समझ लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर कितना होगा आउटर मोस्ट में 6, उसके बाद प्लस ऑक्सीजन के लिए, तो एटम की संख्या 4 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का वैलेंसी -2, करेंगे 6 तो 6, प्लस माइनस माइनस, 4 टू जाए 8, तो कितना हो गया -2। नेक्स्ट देखेंगे फास्फेट का, तो PO4 है, और PO4 का कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे फास्फेट का जो आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, और उससे फास्फोरस का तो 5, उसके बाद प्लस देना है, एटम की संख्या मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का वैलेंसी, अब करेंगे तो 5 तो 5। ए जल्दबाजी नहीं कीजिएगा कि पहले प्लस कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन मैथ में क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई, तो 5 का 5 प्लस माइनस माइनस, 4 टू जे 8, 5 में से 8 घटाएंगे -3। इस प्रकार से आसानी से निकल गया दोस्तों। तो आई होप दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।